मालती कुशवाहा परिवर्तित नाम हाल निवासी करूंदी कॉलोनी ने मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई में बताया कि उसका विवाह 2003 में श्रीपत पुत्र लल्लू कुशवाहा के साथ हुआ था। विवाह के बाद उसके 5 बच्चे हुए जिसमें 4 पुत्रियां एक पुत्र हैं। रेखा ने बताया कि उसका पति का व्यवहार ठीक नहीं है, वो किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करता है। पति कई बार अपने परिचित व्यक्तियों को घर लाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव बनाया जाता है, मना करने पर मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, नशीली दवाओं का सेवन कर उसके साथ अप्रतिक कृत्य भी करता है। उसके शरीर पर मारपीट के निशान मौजूद हैं। मारपीट से परेशान होकर वो अपने 2 बच्चों के साथ शिवपुरी मायके आ गई। यहाँ पर पति उसे फोन में बार बार धमकाता है कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगा, इसलिए मामले में कार्यवाही की जाए। मेरे पति मुझे मारता है और गलत आदमी दूसरे आदमियों के साथ में संबंध बनाने के लिए कहता है। क्या कहता है? कि इसके साथ में संबंध बना और मैं मना करती हूँ तो मुझे मारता पीटता है, एक कमरे में बंद कर देता है। फिर मार हुई थी आपकी? 2003 में हुई थी शादी। किससे संबंध बनाने की बात करता है? गलत उसके कोई संबंधियों से, यार दोस्त। हाँ, कब से दवा बना रहा है? अब ये मुझे पता नहीं, मुझे तो नशे की गोलियां खिला देता, मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। और कमरे में बंद कर देता मुझे, कमरे में बंद कर देता, मैं चिल्लाती रहती, मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। तो आपके साथ संबंध बनवा चुका है वो किसी के साथ? मैं तो बिल्कुल बेहोश हालत में, मुझे तो नशे की गोलियां खिला देता, मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। क्या नाम है उनका जिनके साथ संबंध बना? मेरे पति का नहीं, नहीं जिनका संबंध बनाने की बात कर रहा हूं, नाम वगैरह पता है दोस्तों? नहीं, मुझे नहीं पता उनका। आपके पति का नाम क्या है? कपड़े की सिलाई करते हैं। तो ये बताइए क्या नाम है, आपकी मारपीट वगैरह कब की गई थी? मेरी मारपीट 16 तारीख को बहुत ज़्यादा की गई। मैं दूसरे के साथ में संबंध बनाने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया। सुबह मेरी छत पे बैठ गया और मुझे मारने लगा, मेरी साफी से मेरी गर्दन मसक गई। फिर मैं चिल्लाई, ज़्यादा चिल्लाई तो मेरे बच्चे वगैरह दौड़ के आए। मेरे 5 बच्चे हैं, एक 17 साल की लड़की है, 15 साल का लड़का है, एक 4 लड़कियाँ, मेरा एक लड़का है। तो उनने मुझे बचाया, किवारों में धक्का दिया, चिल्ला। कौन ने बचाया आपको? मेरे बच्चों ने बचाया। जब जाके मेरे भाई के लिए फ़ोन किया सवेरे, फिर जब लेने आए थे, बिल्कुल बेहोश कर दिया मार मार के मुझे। तो अब आप क्या चाहती हो? मैं तो न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लगवाई है? मुझे तो बिल्कुल बेहोश की हालत में लेके आए थे, मेरा संतुलन बिल्कुल खो चुका है, मैं तो पागल हो चुकी थी। मेरे भाइयों ने जहाँ पे वो उसपे लाया, बता रही थी अभी नींद की गोलियां खिला के आपके साथ संबंध स्थापित करना है। कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ? पता नहीं है, तकरीबन कितने महीने और साल हुए? मुझे तो एक बच्ची हुई थी मेरे यहाँ, जब से परेशान कर रहा है। कब हुई थी बच्ची? वो शादी के दो साल पीछे। जब से? हाँ। इससे पहले आपने शिकायत क्यों नहीं की? मैं सोचती कि चलो अब नहीं, अब सुधर जाएगा। मैं अपने भाइयों की लाज बचा रही थी कि मतलब मेरे भाइयों के पास नहीं पहुँचे ये बात, शर्मिंदा हो के मैं, कि अब मेरे भाइयों को पता पड़ेगा तो कितनी नीची।